नैब कानून और रियासती इदारे एक साथ नहीं चल सकते। जेलें गैर सियासी बेगुनाह अफराद से भरी पड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का इल्ज़ाम कहते हैं 18वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई राबता नहीं हुआ। नैब कवानीन का 18वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक किसी ने पीएमएलएन से कांटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट की साइड से, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से कोई तरमीम चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं तो वो हाउस में लेके आएंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत वाजह कर देना चाहता हूँ कि नैब कवानीन में तरामीम का 18वीं तरमीम में मजीद अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसी किसी तजवीज़ पर पीएमएलएन गौर करेगी इसकी चंदा ज़रूरत नहीं। नैब कानून में तब्दीली पीएमएलएन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत और इसी तरह नैब का कानून और रियासती अमूर इकट्ठे नहीं चल सकते। जो सैकड़ों बेगुना जेलों में पड़े हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी दादरसी की ज़रूरत है। वही खुद मुख्तारी पर कोई मैं समझता हूँ समझौता नहीं होना चाहिए, और जो चारों फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको उनके राइट्स दिए गए।